खाद्य सुरक्षा विभाग की सिस्टमकारी नीतियों से सरकारी राजस्व का लाखों को चूना लगाया जा रहा है। विभाग के साथ खाकी की मेहरबानी से नगर के लगभग एक दर्जन गुटखा फैक्ट्रियां धड़ाधड़ चल रही हैं। साथ ही सुविधा शुल्क के दाम पर नगर में खुलेआम बियर के नाम पर दूषित पेय पदार्थ बिक रहा है, जबकि कार्यवाही के नाम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा शुल्क के लिए गाली गलौज करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी को लेकर कुछ पीड़ित दुकानदारों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वीडियो में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने नगर के एक मुर्गा व्यापारी के साथ गाली गलौज करते हुए साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानदार से तमाम अभद्रता व अपशब्दों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। 3,000 रुपए लिए हर महीने, 3 महीने 3,000 दिए उसे, वो सामने खड़ा है।